एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और आज मैं आपके साथ अपनी ग्रोसरी की रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे पाकिस्तानी ग्रोसरी स्टोर जाना था, तो वहाँ पे मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिला शूट करने के लिए। उसके बाद वॉलमार्ट जाना था क्योंकि 2 वीक्स की ग्रोसरी एक साथ ही कर ली जाती है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ मैं वॉलमार्ट का टूर जो है वो शेयर करती हूँ, साथ ही अपनी ग्रोसरी की जो है वो रूटीन शेयर करती हूँ कि 2 वीक्स की हम लोग कैसे ग्रोसरी करते हैं, और साथ में आपको वॉलमार्ट का टूर करवाती हूँ और वॉलमार्ट में क्या क्या मिलता है, आप क्या क्या बाय कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप देख सकते हो कि ये फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो कुछ भी आपको चाहिए ये वो सेक्शन है। तो यहाँ से सबसे पहले जो है हम लोग जो भी हमें फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स चाहिए होते हैं वो बाय कर लेते हैं। ये उसके पास साथ ही उसके जो है वो बेकरी है, बेकरी में से आपको ब्रेड वगैरह या जो भी स्नैक्स चाहिए हो तो वो यहाँ से मिल जाते हैं। ये है इंडियन पाकिस्तानी सेक्शन, जहाँ पे आपको सब कुछ ही जो है वो पाकिस्तानी इंडियन स्पाइसी से लेके दालें वगैरह, देसी घी, हर एक चीज़ जो है वो इंटरनेशनल इंडियन सेक्शन में आपको जो है वो मिल जाएगी। यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है वो हर एक चीज़ जो है वो अवेलेबल होती है, तो काफ़ी हद तक चीज़ें जो है हमें यहाँ से मिल जाती हैं। तो उसके बाद बाकी की जो ग्रोसरी की चीज़ें होती हैं वो बाकी सेक्शन में से ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपको मीट और चिकन जो भी अभी इस तरह से पैकिंग में मिलता है, ये फ्रोजन सेक्शन है। तो यहाँ पे फ्रोजन सेक्शन में आपको नगेट्स वगैरह या कुछ भी फ्रोजन मीट चाहिए वो मिल जाता है। यहाँ पे ये सारा मिल्क का सेक्शन है, जूस का सेक्शन है, ये यहाँ पे सारा, ये भी फ्रिज है जिसमें योगर्ट हर किस्म का और ये सारी जितनी भी फ्रोजन चीज़ें होती हैं, आइसक्रीम वगैरह, चीज़, सब कुछ है वो इन सेक्शन में जो है वो आपको मिल जाता है। यहाँ पे जो है ये बच्चों का सेक्शन है, तो यहाँ पे आपको बच्चों से रिलेटेड जो भी स्टफ चाहिए वो आपको यहाँ से मिल जाता है। न्यू बॉर्न से लेके जो है आपके 1 ईयर के बच्चे के लिए आपको कोई भी स्टफ चाहिए वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये बच्चों का क्लॉथ सेक्शन है, यहाँ पे डायपर्स वगैरह, वाइप्स वगैरह जो है वो सब कुछ अवेलेबल होता है। तो वॉलमार्ट में जो आपको हर एक सेक्शन अवेलेबल होता है। ये यहाँ पे सारे बच्चों के कपड़े हैं, ये यहाँ पे शूज का सेक्शन है। तो यहाँ आपको आपको चाहे विंटर शूज चाहिए हो, चाहे आपको कैजुअल शूज चाहिए हो, तो वो सब कुछ आपको इस सेक्शन से मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको घर की ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो है वो मिल जाती है। और ये जो है बच्चों का फेवरेट सेक्शन है, यहाँ पे सारे टॉयज वगैरह जो हैं जो भी आपको चाहिए होते हैं वो यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो ये है कि जब आप वॉलमार्ट में आओ तो जो जो भी चीज़ चाहिए हो आपको वो है सारे का आप लिस्ट बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हर एक सेक्शन जो है वो अवेलेबल है। तो घर की हर एक चीज़ जो है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो ये किचन से रिलेटेड यहाँ पे जो है वो अप्लाइंसेस हैं, ये सारी लगी हुई हैं। तो वॉलमार्ट में आपको हर जो है ना रीज़नेबल प्राइसेस में सब कुछ अवेलेबल होता है। ये घर की सारी अप्लाइंसेस, किचन की सारी अप्लाइंसेस जो हैं वो यहाँ से, और मेरा ये सबसे फेवरेट सेक्शन है, मुझे किचन अप्लाइंसेस जो है वो बहुत पसंद है। मैं ऑलवेज जो है वो देखती हूँ कि कौन सी जो है वो नई और अच्छी अप्लाइंस है, मैं उसको ट्राई करने का पूरा जो है वो मूड होता है। ये कॉफ़ी मशीन, आई होप कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो हमने अपनी ग्रोसरी जो है वो डन कर ली है, तो ये यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि यहाँ पे सेल्फ चेकआउट कैसे करते हैं।
जब काउंटर बिजी हो तो आप सेल्फ चेकआउट भी कर सकते हो, आपने खुद ही जो है अपने कैशियर बन जाना है। यहाँ से अपना सारा सामान जो है वो सेल्फ चेकआउट करके आपने अपने कार्ड से पेमेंट करनी है। एंड जी डन। दैट इज़ द इजियर टू क्विक वे। तो ग्रॉसरी हमारी डन हो गई है और ये हमारी 2 वीक्स की ग्रॉसरी है। वैसे भी 2 वीक्स के बिटवीन अगर कोई चीज़ जैसे मिल्क वगैरह ख़त्म हो जाए तो वो जो है नियर बाय स्टोर से बाय कर लेते हैं, बट ज़्यादा चीज़ें जो है वो वॉलमार्ट से ही अवेलेबल होती हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।